तहसीन पूनावाला, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जो आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है और सवाल ये खड़ा कर रही है कि क्या कांग्रेस देश विरोधियों का क्लब हाउस बन चुकी है? अनुराग भाई, मैं आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और मैं आश्चर्यचकित हो गया आपका इंट्रोडक्शन सुनकर, यानी कि चैनल का, क्योंकि ये देश का नंबर वन न्यूज चैनल है और बहुत लोग इस पर विश्वास करते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा, और मैं सपोर्ट करता हूँ, कि कांग्रेस की ये नीति है कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आएगी तो 370 दोबारा से लागू करेगी, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा आपका इंट्रोडक्शन। लेकिन वो क्लब हाउस चैट मैंने सुना, उसके बाद मैंने आपके चैनल पे दोबारा से सुना, दिग्विजय सिंह जी उसमें कहते हैं, और मैं कोट करता हूं, कि जो वहां पर स्टेटहुड लिया गया और 370 पर विचार करना पड़ेगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक कहना कि मैं दोबारा से 370 लागू, एक कहना कि जो स्थिति बनी है उस पर मैं विचार करूंगा। तहसीन पूनावाला, दोनों में अंतर क्या है? विचार करने का मतलब क्या? दिग्विजय सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि हम विचार तो करेंगे लेकिन फिर खारिज कर देंगे अपने इस विचार को? क्योंकि क्या आप जानते हो कि कांग्रेस भविष्य में क्या करने वाली है? क्या इस मुल्क में किसी चीज पर डिबेट करना, विचार करना, सोचना गलत है? और अगर गलत है, मैं मानता हूं हो सकता है गलत है, तो क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट, ये आप बड़े ध्यान से इसका जवाब देना, मैं आपसे पूछा हूं, क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट ये गलती कर रही है तो 370 का मामला जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में है उस पर विचार कर रही है? सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है, और सिर्फ दिग्विजय सिंह ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ अनुराग भाई ने, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को भी दोबारा से इस पर तहसीन पूनावाला, जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए जब अदालत विचार कर सकती है, तहसीन पूनावाला आप कह रहे हैं कि जब अदालत विचार कर सकती है तो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं विचार कर सकते हैं? दिग्विजय सिंह एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं सर, रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में अहम भूमिका निभाई है। इसका सीधा मतलब क्या तहसीन पूनावाला, ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर में 370 लागू होगा? मैंने आपसे शुरुआत में कहा ये एजेंडा है ही नहीं, तो आपने दोबारा से आप वही प्रश्न, आपको जो मेरे मन में, आपको जो मेरा आंसर फ्रेम करना है, आप प्रश्न में फ्रेम कर रहे हो, मैं कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस पर विचार हम सबको करना पड़ेगा, सिर्फ दिग्विजय सिंह जी को नहीं, हम सबको विचार करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुन, क्या विचार करना है? तहसीन पूनावाला जरा समझाइए विचार क्या करना होगा? भैया सुन लीजिए ना, अनुराग भाई खत्म होने दीजिए, ये विचार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या प्रश्न पूछेगी, उसके उत्तर क्या देंगे, हम इस चीज को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, देश की आवाम के सामने रखेंगे, इस पे विचार। ये बात दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के पत्रकारों को बता रहे हैं? मैं भारत के, ये दलील दे रहे हैं आप पत्रकार से? अगर पत्रकार को बताना कोई गलत बात है इसमें? क्या सुनिए, जो जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं 370 के खिलाफ, मैं खुश हूं 370 निकल गया, लेकिन जो लोग गए इसके खिलाफ, उनके जो वकील है वो भारतीय है, क्या वो भी देशद्रोही? वो अपना पक्ष रखेंगे, भारत की सरकार। एक बात तो आपने स्पष्ट किया, आप कह रहे हैं कि तहसीन पूनावाला स्वागत करते हैं केंद्र सरकार के फैसले का। बिल्कुल, सबसे पहले मैंने इसको स्वागत, सुनिए एक लास्ट लाइन, जब भारत सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी अपनी दलीलें रखेंगे, और इस पक्ष से जो भी वकील होंगे वो अपनी दलीलें रखेंगे, भारत की सरकार को, मोदी जी को, अजीत डोवल जी को, अमित शाह जी को भी विचार करना पड़ेगा कि क्या बोलना है सुप्रीम कोर्ट में, और उसी मुद्दे का जिक्र दिग्विजय सिंह कर रहे थे उस क्लब हाउस में।